नमस्ते छात्रों, लास्ट वीडियो में अपने प्रश्नावली 6 पढ़ी थी जो अपने समाप्त हो गई थी वर्ग और वर्गमूल। आज अपने को प्रश्नावली 7 पढ़नी घन और घनमूल। ये प्रश्नावली उसी से थोड़ी रिलेटेड है तो इसीलिए अपन 7 ही प्रश्नावली पढ़ते आज घन और घनमूल। घन क्या होता है? जैसे अपन ने वर्ग पढ़ा था, वर्ग का मतलब होता है किसी भी नंबर को दो बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है? 4। वैसे ही 2 का अगर घन पूछे तो 2 का घन यानी 2 को 3 बार गुणा करना, 2 को 3 बार गुणा करते तो आता है 8। तो इसी प्रकार संख्याओं के अपन घनमूल लिख लेते, घन मतलब पहली स्टार्टिंग 1 से लेकर 20 तक जो संख्याएं हैं उनके घन लिख लेते हैं। इधर तो लिखते संख्या और इधर लिखते हैं इनके घन। 1, 2, 3, 4, 5 एक का जो घन करते हैं एक को 3 बार अपन मल्टीप्लाई करते तो एक ही आता है। एक का घन कितना होता है? 1 होता है। फिर ऐसे 2 का घन लिखेंगे 2 का तो 8 होता है, 2 × 2 × 2 × 8 होता है। फिर 3 का लिखते हैं तो 27 होता है, 4 का लिखते हैं तो 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। फिर 11 का घन लिखते हैं तो 1331 होता है, 11 का घन 1331। 12 का 1728, 13 का घन होता है 2197, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375, 3375, 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है 4913 और 18 का घन होता है 5832, 19 का घन होता है 6859 और 20 का घन होता है 8000। एक बार वापस देखते हैं स्टार्टिंग से इनको। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, यानी 2 को 3 बार गुणा करते तो 8 आता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते 27 आता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। फिर ऐसे 11 का घन लिखते हैं तो 1331 आता है, 1331। फिर 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 49, 13 आएगा यानी 4913, 18 का निकालेंगे तो 5832 और 19 का निकालेंगे 6859 और 20 का होता 8000। तो इतने घन अपने को याद रखने हैं, यानी ये चीज़ें तो अपने को याद होनी चाहिए कौन सी संख्या घन क्या होता है। इसके बाद अपन इसकी जो प्रश्नावली 7.1 है उसके कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। यानी अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, घन क्या होता है? किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका घन कहलाती है। और घनमूल क्या होता है? जैसे अपन अंडर रूट निकालते हैं वैसे घनमूल होता है। तो घनमूल जैसे 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा। 512 का घनमूल कितना होगा? 8 होगा। जैसे अपने बोले को 3375 का घनमूल बताइए तो 15 होगा। ऐसे 8000 का घनमूल कितना होगा? 20 होगा। यानी घन तो इधर से लेंगे तो घन आ जाएगा और घन से अगर इधर आएंगे तो घनमूल आ जाएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी थी। अब प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो इसका एक तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 128 और एक इसका देख लेंगे अपन 1000 वाला देख लेंगे थर्ड क्वेश्चन।
देखो 128 का जो अपने को ये देखने की संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है, तो पूर्ण घन देखने के लिए इसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2। अगर इस संख्या में 2 का अभाज्य मतलब भाग जाता है तो अपन 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देते हैं 128 में तो भाग जाता है 64 बार। फिर 2 का भाग देंगे वापस अगर जा रहा हो तो इसमें 2 का भाग दिया तो 32 बार। फिर 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 में 2 का भाग 8, 8 में 2 का भाग 4, 4 में 2 का भाग 2 और 1 आ गया। यानी 128 के जो अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए थे ये कितनी बार आए? 2 आए हैं अपने, 7 बार। 2 × 2 × 2 2 का भाग दिया 64, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया तो अपने आगे 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे और फिर 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 में 2 का भाग देंगे। अब जो अपन घन मूल निकालते हैं, घन मूल में अपने को क्या करना पड़ता है कि इसमें 2-2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? 2-2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। 2-2 के जोड़े बनाओ, देखो तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे तो सॉरी घन मूल के अंदर अपने को 3-3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। घनमूल निकाल जैसे वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल में क्या करते हैं 3-3 के जोड़े बनाते हैं अपन। तो ये तीन संख्याओं का जोड़ा बन गया, ये तीन संख्याओं का जोड़ा बन गया तो एक संख्या खाली आ गई। तो ये 128 है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर बाय द वे पूर्ण घन होती तो यहाँ पर 2 बचता नहीं, अपन ने पूरा कंप्लीट जोड़ा मिलता अपने को यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है। घन मूल में क्या होता है? 3-3 के कंप्लीट जोड़े बनाने। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या जैसे अभाज्य गुणनखंड करते वैसे इसके अभाज्य गुणनखंड करने अपने को। अभाज्य गुणनखंड निकाला अपन ने तो अभाज्य गुणनखंड आया, फिर इसमें जोड़े बनाने हैं। तो वर्ग में तो 2-2 के बनते हैं, जैसे वर्ग मूल निकाल देना तो 2-2 के जोड़े बनते हैं। और अपने को क्या है इसमें घन मूल निकालना, घन मूल में 3-3 के जोड़े बनाने। ये 3 का जोड़ा बनाने, ये 3 का बनाने, एक संख्या और बच गई। तो 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी प्रकार इसका एक थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड। इसमें 1000 देकर 1000 का देखते हैं अपन, 1000। ये पहले का तीसरा क्वेश्चन है, ये 1000 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1000 में सबसे पहले 2 का भाग देते हैं अगर जा रहा हो तो। 2 का भाग देने का मतलब होता है उस संख्या का आधा करना। क्या करना? आधा। तो 1000 का आधा कितना होता है? 500 होता है। 500 में अगर 2 का भाग देते तो 250 आता है। फिर 250 में 2 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो इसके पीछे लास्ट में 5 आ गया, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग देखो अगर जा रहा हो तो 5, 2, 7, 7, 1, 8 तीन का भाग भी नहीं जाता। 3 के बाद 4 का देना नहीं, 5 का भाग देना सीधे। तो 5 का भाग 125 में तो 25 बार जाता है। फिर 25 में वापस 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1000 के गुणनखंड निकाले 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो 1000 की जो अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। घनमूल निकालना है, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। पहला जोड़ा बनाया कंप्लीट है, दूसरा जोड़ा बनाया ये भी कंप्लीट है। तो अपन इसके घनमूल निकाल लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 उतार लेंगे, आगे से 5 उतार लेंगे, यानी 10 आ गए। कितना आ गया? 10। तो अपन ऐसे लिखेंगे 1000 के घनमूल 10। यानी 1000 का जो अपन ने घनमूल निकाला वो कितना आया? 10 आया। तो ऐसे अपने वो सबसे पहले अभाज्य संख्या को इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड किए और जोड़े बनाने, गुणनखंड के लिए जोड़े बनाने, इधर तो 2 आ गया और इधर 5 आ गया। 2 × 5 का मान कितना? 10 होता है। अभी थोड़ी देर अपन पहले पढ़े थे अपन ने 10 का घन कितना होता है? 1000 होता है। और 1000 का घनमूल कितना होगा? 10 होगा।
तो ये अपना होता है इस प्रकार गणन। इसके जो बाकी क्वेश्चन है फर्स्ट के वो आपको देखने हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। यानी किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन हो जावे। ऐसे क्वेश्चन अपन ने वर्ग में भी किए थे, इसीलिए ये प्रस्ताव ली मैंने फर्स्ट में भी। ये क्वेश्चन देख लेते अपन, एक 200 तैयारी से इसको सॉल्व कर लेते सबसे पहले। ये 243, देखो 243 में सबसे पहले भाग देना है अपने को, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड दो का भाग तो जाते ही नहीं, क्योंकि लास्ट में तीन आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। दो का भाग क्यों नहीं जाता, जिनमें लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे अगर आते हो तो दो का भाग जाता है। तीन का भाग कैसे जाता है, इन संख्याओं का टोटल करो, 2 + 4 + 3 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो इनका आएगा 9। 9 तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, यानी 3 का भाग दो, 3 का भाग देंगे तो 24 में तो 8 बार जाता है और 3 में 1 बार जाता है। फिर वापस इनका टोटल करो, 8 और 1 9, यानी 3 का भाग वापस चला जाएगा, 3 का भाग 8 में 2 बार जाता है और 2 शेष पर बचेंगे तो 21 में 7 बार जाता है। फिर अब तो अपने को पता ही है 27 में तो 3 का भाग जाता है 9 बार, फिर वापस 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। देखो 243 के अभाज्य गुणनखंड आगे लिखेंगे अपन, 243 3 × 3 × 3 × आप देखो ये तो जोड़ा बन गया और ये रह गया अधूरे। 243 में आप देखो यहाँ तो एक जोड़ा तो कंप्लीट बन गया, एक जोड़े में क्या कम पड़ रहा है, ओनली एक तीन कम पड़ रहा। तो अपन ऐसे लिखेंगे 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, यानी 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, संख्या जैसे अगर अपन 243 को 3 से गुणा करते थे कौन सी संख्या आती वो भी देख लेते हैं। ये 243 3, 3 को 3 से गुणा करते तो 9 12 हासिल का 729 729 तो एक पूर्ण घन संख्या है, जो 9 का घन होता है। किसका होता है, 9 का घन होता है 729। तो वैसे भी ये अपने को लिखना नहीं, पर अपने को हिसाब में याद रखना भी क्या कैसे क्या होता है। ये 243 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इनका 3 का जोड़ा बनाया तो एक बन गया और एक 3 कम पड़ रहा। तो यहाँ अपन ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन में, ये था कि किससे गुणा करने पर पूर्ण घन बने, तो एक 3 कम पड़ रहा आगे, यहाँ लिखेंगे 243 को 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। और 243 गुणा 3 729 का घनमूल होगा। तो अब उसके बाद इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं दूसरे में। अब तीसरे का अपन क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 100 दे रखा है। देखो वापस 100 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते, 2 से डिवाइड हो जाएगा 100, तो यानी 2 का भाग तो जाता है 100 में, आधा करते तो 50 आता है, 50 में वापस 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 में सीधा 5 का भाग जाएगा, 5 बार और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार, यानी 2 × 2 × 5 × 5 100 का बराबर लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5। अब देखो ना तो कोई सा भी जोड़ा कंप्लीट नहीं है, इसमें कितने 2 बन रहे हैं, अपने को 3 चाहिए और इधर भी 2 बन रहे हैं, 3 चाहिए, यानी एक तो 5 चाहिए और एक 2 चाहिए, यानी 5 × 2 चाहिए। क्या चाहिए, 5 × 2 या 2 × 5। 2 को 5 से गुणा करते तो 10 आता,
और 5 को 2 से गुणा करते तो भी 10 ही आता है। तो अब इसमें अपने को क्या कम पड़ रहा है, 10 कम पड़ रहा है। तो अपन ऐसे लिखेंगे 100 को 10 से गुणा करने पर, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। यानी इधर देखना, जैसे 100 है, 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5 ये अपन ने लिखा ना अभी 2 × तो इसका ही गुणा बन गया, तो 2 × 5 × 5 × यानी इसका मतलब क्या होता है, 10 आ जाता है। यानी अगर तुम 100 को 10 से गुणा कर दो, 100 को 10 से गुणा कर दो तो कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1000। 1000 किसका गुणा होता है, 10 का गुणा होता है। तो अपने को सिंपल इतना सा लिखना कि 100 को 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। यानी 10 से गुणा करते तो 1000 बनता है, और 1000 10 का घन मूल होता है, यानी घन करो तो 10 आ जाता है उसका। इस प्रकार इसके दूसरे क्वेश्चन के बाकी आपको देखने हैं, फिर इसका तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है इसके तीसरे में कि जैसे अभी गुणा कर रहे थे, तो अब ये पूछेगा कि कौन सी संख्या से भाग देने पर ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ये वाला क्वेश्चन है, कम से कम कौन सी संख्या का भाग देने पर ये एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो इसका एक तीसरा क्वेश्चन है 135। की भी अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 3 का भाग देना, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा नहीं, और फिर 5 + 3 = 8, 8 = 9, इन 3 का भाग चला जाएगा। 3 × 12 = 3, 5 = 15, 45 उतरेगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 15 उतरेगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 उतरेगा। तो 135 = 3 × 3 × 3 × 5। आप देखो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ये 3 तो कम्प्लीटली जोड़ा बन गया, तो अब सिंपल क्या बच रहा, 5 बच रहा। तो अब इस 5 को बाहर हटाना, तो अपन ऐसे लिखेंगे 135 में 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, अगर 135 में अगर तुम 5 का भाग दे दो तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, उत्तर आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 का जोड़ा, तो 1 3 लिख लेंगे नीचे। यहाँ लिखेंगे 135 में 5 का भाग देने पर, 135 में 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। पहले पिछली बार क्या कर रहे थे, अपन गुणा कर रहे थे, गुणा में क्या करते और संख्या लाके जोड़ते। अगर भाई तो यहाँ पूछता गुणा किससे करना, 2 5 और चाहिए, यानी 5 × 5 और चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, 25 और लो, यानी 135 को 25 से गुणा कर दो तो पूर्ण घन प्राप्त होगी। अब की बार ऐसा ना पूछा, इन्होंने कहा कौन सी संख्या का भाग देना है, भाग देना उस संख्या को हटाना जो ज्यादा आ रही है, इसमें 5 आ रहे तो 5 को हटा दो, तो 135 में 5 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। एक और इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन 704। 704 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 352 आएंगे, फिर 2 का और भाग दो तो इसमें 3 में 1 बार 4 बार 6 बार नहीं आएगा, 15 15 7 14 176 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे और फिर 16 यानी 8 आ जाएगा, 88, फिर 2 का भाग देंगे 44, 2 का भाग देंगे 22, 2 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में जो केवल 11 का भाग ही रहता है। 704 के जो अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 2 × 6 बार तो 2 आया है। देखो फिर 3 3 के जोड़े बनाते हैं अपन, 3 3 के जोड़े बनाते हैं तो ये तो कंप्लीट हो गया, और 11 बच गए अपने पास अलग से। तो 704 में 11 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी।
704 में 11 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी इस प्रकार इसका एक क्वेश्चन है वो आपको एचडब्ल्यू में करना है और ये जो अपनी प्रश्नावली 7.1 है ये खत्म हो जाती है। और भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो मुझे। और बाकी तो अपन जो नेक्स्ट प्रश्नावली है 7.2 उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।